दबेफी। हाँ जी भाईजान। हाँ जी, व्हाट्स अप मैम? एक सेकंड मतलब। हाँ जी, क्या हो गया? किसके साथ हो? अकेले? अकेला ही हूँ, ये लैंप ऑन कर रहा था। हाँ जी, अच्छा कैसा हो गया तुम्हारा कॉल आज? जी दानियल को मैं मिला हूँ आफ्टर व्हाट यू कॉल इट, 14 दिन के बाद। भाई को छुट्टी आ ली है, क्वारंटीन में था अकेला। तो दानियल, कैसे तुमने इस चीज से डील किया? तुमने तुम्हारा जो एक वीडियो तुमने डाला था, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस ऑन द सॉन्ग, तुम्हारा गाना बड़ा हिट हो गया, उड़ चलिए। यस, चन चढ़या चल उड़ चलिए, अधी अधी रात सिंध जलिए, डर डर डर। क्या सुनाओ जरा थोड़ा सा। गिटार क्या है तुम्हारा? गिटार लाओ ना यार। गिटार, हाँ एक सेकंड, गिटार किधर है? दानियल का गाना आप लोग जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, है उड़ चलिए के नाम से। बड़ा इसने बॉय ने क्वारंटीन में अकेला बैठा हुआ था 14 दिन, तो उसके अंदर अपने फैंस के साथ। मुझे भी ऐसे फैंस चाहिए दानियल, मेरे फैंस तुम्हारे से ज्यादा मजे, लेकिन तुम्हारे फैंस भी बहुत जबरदस्त थे यार। उन्होंने जो तुम्हें आर्टवर्क भेजा है, जो चीजें भेजी है, crazy, amazing man, I'm so touched. The artwork from love the to videos, all of them. All the stuff. ये तो होगा। हाँ, सुनाओ। और दानियल, तुमने ये गाना पता किसके लिए है? ये गाना है जो, ये गाना जो सबसे ज्यादा मजे का इंटेलिजेंट कमेंट लिखेगा ना नीचे इस गाने को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको ये गाना एंड पे डेडिकेट किया जाएगा। मैं उसका नाम लिखूंगा कि वो कौन तहलीन के लिए होगा या किसके लिए। देखें, यू विल हैव टू बी रियली इंटेलिजेंट के इस गाने को डिजर्व करने के लिए। हाँ जी, गाना सुनाओ भाई। यू गाइस, आप लोग बेसिकली हर बंदा अपनी इंटरप्रिटेशन बता दे गाने की, एक वो रखते थे ना क्राइटेरिया कि वो पानी लेके आए। अच्छा, इसमें ताकि आप लोगों को कॉर्ड्स भी नजर आते हैं। Just waiting for him to come. क्या कह रहे हैं जो इतनी देर आप लोग? ये देखे भाई, यार पानी तो लाने ही भूल गया। अच्छा। क्या कॉर्ड्स है भाई इसके? यार इसके हैं सी है, तो बेसिकली टाइमिंग है, नहीं एफ है पहली, चन चढ़े ना ना ना, एफ ना 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 ना, डी ना 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 ना, डी माइनर ना 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 ना, सी ना 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 ना, ए शार्प ना 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 ना, जी माइनर ना 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 ना। ओके, ठीक है। सो F, D minor, C. D minor, C, A sharp, G minor. Okay, done. आए जी। ठीक है, चले जी। चन चढ़े आ फिर अज बलिए, कोठे उठे आ सांस चलिए, अधी अधी रात हिंदी बरसात, तेरे नाल कर मैं दिल वाली बात, चल बलिए उड़ चलिए, चन चढ़या फिर अज बलिए, चल वाली रात चल चलिए, अली अली रात मेरी बरसात, तेरे नाल करनी ऐसी कोई बात, चल बलिए उड़ चलिए। I just wanna leave right now, I could care less about when tripping out of my mind, maybe listening your face, I want you clean and white, do I wanna play, just slip inside, boy, you will rise up. Yeah, ye tum kya bolte ho? Ye kya lyrics hai, boy, wah, 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 ye kya? Yeah, yeah, yeah,
roll your eyes. लेकिन इसको जरा mumble करके कहना ना sir. I just wanna leave right now. Couldn't care less about rainbows. Tripping out of my mind, got me hallucinating your face. I want you creaming while you ride. You want no play, just slip and slide. Roll your eyes up, hit it to the sky up. Ooh, and ooh, and now I hit it in my room. Cause I should smell like only you. When you roll your eyes up, hit it to the sky up. Okay. काली काली रात च गड्डी कड्डीए हाथ तेरा फड़ के नी गेर लाईए. एक सेकंड. हाँ, क्या लिखा? हाथ तेरा फड़ के गेर लाईए. हाँ, ताकि सीधा ताकि सीधा चिल्लर पकड़े आके. अभी मुझे एक आइडिया आया कि आगे मैं लाइन कहता हूँ कि काली काली रात च गड्डी कड्डीए खाली खाली सड़क ते छत खोलिए कोई ना सानू रोके ना किसी दी मनिए. और साथ ही कट आए गाड़ी में जा रहा था तो छिल्लों ने पकड़ के बोनेट पे रखा हुआ कि चल किथे चल रहा है कितना वड्डा तू हीरो है. हां एड्डा तू कोई ना सानू रोके. चंद चढ़े बली अधी अधी रात सब चली चल बलिए चल बलिए चल बलिए उठ चलिए यही है ना. चल बल चल बलिए उठ चलिए चल तक दा तेरे वल बलिए उठ ते आसा उठ चलिए अधी अधी राते पैंदी बरसाते तेरे नाल करनी है दिल वाली बात. चल बलिए उठ चलिए उठ चलिए चल बलिए चल बलिए. तो बताओ तो लोगों को कैसे तुम्हें गुजारा ये टाइम अकेले में? यार बस मतलब पहले की जो 10 दिन थे वो तो बस गुजर गए ऐसे ही टीवी शीवी देखते देखते बहुत एक डिसओरिएंटेड. नहीं 10 दिन नहीं हफ्ता गुजरा जरा बस चीजें अजीब किसी किस टाइम पे सो रहा हूँ किस टाइम पे उठता हूँ कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है. तो उसके बाद फिर एक पॉइंट आ गया जहाँ वो जो ये जो अभी आप लोग इश्यू डिस्कस कर रहे थे मेंटल हेल्थ के ये जरा मेरे जो हैं वो आ गए मेरे पास वापस फिर हो गए मेरे सारे क्योंकि मैं काफी ज्यादा ओवरकम कर चुका हुआ था काफी एक्सटेंट तक तो वो दोबारा ट्रिगर हो गए सारे. और बस फिर वो जिस तरह उन्होंने जो बात की वो बड़ी अच्छी बात की. एंड आई थिंक आई एम नो वन टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स हु गो थ्रू एंग्जायटी बिकॉज मुझे लगता है कि हर इंसान को फर्क तरह की होती है. एक जो उन्होंने बात की है ना इट्स अ डिबेट बट आई हैव टू एग्री विद वन थिंग दैट शी सेड व्हिच सम पीपल डिसएग्री विद कि होती है आपके पास चॉइस. जिस तरह जिम कैरी ने भी बोला हुआ है कि यस यू कैन बी डिप्रेस्ड बट इट इज अ चॉइस ऑफ योर्स कि आप अगर ऑन टॉप ऑफ दैट डिप्रेशन इफ यू आर नॉट ईटिंग गुड इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग इफ यू आर नॉट मेकिंग एन एफर्ट टू डील विद इट दैट इज अ चॉइस दैट इज योर चॉइस. वेरी डिफिकल्ट चॉइस इट इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ करेज मतलब आपकी ब्लास्ट हुई भी होती है और नहीं समझ आ रही होती डिसओरिएंटेशन सी डर लग रहा होता है हिम्मत नहीं हो रही होती फ्रीज कुछ लोग फ्रीज हो गए भी होते हैं कई मोमेंट्स में मैं भी फ्रीज हो गया हूँ
जिस तरह वो एक और एक टीम का म्यूजिक वीडियो का जब शूट हो रहा था, तो वो आपको याद है कि मैं शूट से पहले बिल्कुल मैं कमरे के अंदर बंद रो ही जा रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है. तो दैट इज दी, वो एक प्राइम एग्जांपल है एक एक्सट्रीम पैनिक अटैक का, जहां बंदा फ्रीज कर जाता है, समझ नहीं आती. लेकिन मेरे पास चॉइस थी ना उस रात कि मैं बस सल्क करके तो बस खत्म हो जाता उधर ही, या फिर मैं बस अपने आप को, यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ. इट्स लाइक दैट, इट्स अ वॉर. एंड द वर्स्ट पार्ट इज के इट्स अ वॉर विद योर ओन सेल्फ, इट्स अ वॉर विद इन योरसेल्फ, बट इट इज अ वॉर एंड यू हैव टू फाइट इट. So I wrote something, this was written actually in 2017, 9th of September. Our biggest, pehle angrezi mein kuch sunata hoon, phir urdu mein dekhte hain. Our biggest enemy is not someone else, but our own ego and fear. Ego hinders the beauty that humility brings. Fear hinders the glory we can achieve. Ego separates the physical body, constantly striving in anxiousness to adjust to a social setting that is based largely on principles that can never satisfy the soul that is wanting nothing but love. Anything and anyone, including ourselves, that takes us away from love is our biggest enemy. But the only way to fight this enemy is also love. Don't seek a lover or love, become love. ये एक चीज लिखी है कि आपके अंदर इतना potential है to मतलब आप इश्क बन जाए. You should aspire to become love yourself. अब अलामा इकबाल चुके इनका एक चीज है, मैं आपको सुनाने लगा जो मैं बात कर रहा था नई दुनिया खोलने की. अगर आप ये चीजें समझ जाए, मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग अपना पोटेंशियल समझें कि हर इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल होता है सेल्फ के अंदर, जो कि आपको दुनिया और बाकी लोग जो है ना, चूंकि वो खुद उस लेवल पे नहीं होते, उनकी लिमिटेड परसेप्शन होती है, वो आपको मजबूर करते हैं सोचने में कि नहीं मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं. हाँ, कहता है खुद ही वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं. खुदी का मतलब है सेल्फ, दैट योरसेल्फ इज सच अ वास्ट ओशन. खुदी एक बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, एन ओशन विच इज सो वास्ट एंड सो डीप कि उसकी कोई लिमिट नहीं है. खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तो आप जो इसे समझा अगर तो चारा नहीं. आपजू का मतलब कि जो तू आपजू, यानी कि तुम इससे एक स्ट्रीम समझोगे, एक छोटी एक नदी नाला समझोगे, तो फिर कुछ नहीं बनने वाला. तुमने समझना है कि तुम एक ओशन हो. आगे कहता है, तलिस्म में गुंबदे गर्दों को तोड़ सकते हैं, तलिस्म में गुंबदे गर्दों को तोड़ सकते हैं, यानी तलिस्म यानी कि जो मैजिक ऑफ दिस वर्लिंग डोम, ये इस दुनिया को कह रहा है कि ये एक वर्लिंग डोम है ना, जैसे इसका जो मैजिक है इसको आप तोड़ के निकल सकते हो. तुम जुजाज की ये इमारत है संगे खारा नहीं, कि ये कोई पत्थर की बनी हुई चीज नहीं बल्कि एक शीशा है जिसको तुम तोड़ के निकल सकते हो. तुम्हारे तुम्हें जो नजर आ रही है ना डायमेंशन, ये दुनिया, यू कैन गो बियॉन्ड दिस, दिस इज योर पोटेंशियल. खुद ही में डूबते हैं फिर उभर भी आते हैं, खुद ही में डूबते हैं. आयशा कह रही है डिनर इज रेडी, इसको मैं लिख दूं कि कमिंग. ओके, कमिंग. अच्छा, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं चला जाऊं डिनर के लिए, या फिर आपके लिए थोड़ा सा ये इकबाल शेयर करके जाऊं? खुद ही में डूबते हैं फिर उभर आते हैं, यानी कि अपने अंदर डूब के फिर उससे बाहर भी निकल आते हैं. मगर ये हौसला मर्दे हीच कारा नहीं. हीच कारा होता है कि जो छोटे लेवल का, ये जिसकी सोच छोटी होती है, मर्दे हीच कारा यानी के ऑफ अ लोअर लेवल, यानी के खुद ही में डूबते हैं फिर, यानी कि खुद ही में जब आप डूब जाते हो अपने सेल्फ के अंदर, अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर, और फिर निकल आते हो,
तो ये इंसान कर सकता है, लेकिन ये हौसला जो है ये एक पस्त या छोटे आदमी में नहीं होता, ये पहुंचे हुए आदमी में ही होता है। वो ये कहता है, तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, यानी कि जो तुम्हारा मकाम है उसे अंजुम शनास होता है, जो सितारे पढ़ने वाला होता है ना, जो सितारों का हाल देख के बता देते हैं, अंजुम शनास। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपकी उर्दू जो है ये उर्दू का भी शौक डालें, उर्दू लिटरेचर का भी शौक डालें। तेरे मकाम को अंजुम शनास क्या जाने, यानी कि सितारों का जो हाल पढ़ने वाला होता है वो तुम्हारा मकाम को क्या जाने कि तुम क्या हो, कि खाक जिंदा है तू ताबे सितारा नहीं। के खाक के जिंदा है तू, यूर अ लिविंग डस्ट, ताबाए सितारा नहीं, कि तुम सितारों के नीचे नहीं हो, सितारे तुमसे ऊपर नहीं है, तुम सितारों से भी आगे जो कहते हैं वो वाली तुम डस्ट हो। और वो सबा कमर जमान जो है, ये सबा कमर हमारी जो एक्ट्रेस हैं जी, बहुत जबरदस्त वो है, ये बड़ी। सबा कैसी हो तुम, ठीक हो? दानियल मैं सबा को जरा ऑनलाइन लेता हूँ। हाँ ले तुमसे तो एक बार सबा आओगी ऑनलाइन बता दो भाई को बिठा दिया फौरन तुमसे तो एक बार सबसे पहले चलो ये देखिए किस तरह कट जाते हैं बॉयज जब साथ ही। ओके ओके ओके।